द्रंग से भाजपा के विधायक जवाहर ठाकुर ने पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर ने अभी तक फोर लेन निर्माण में जारी अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं करवाया है। मंडी से पंडो के बीच बनने वाले फोर लेन में सिर्फ कौल सिंह ठाकुर की ही जमीन को अधिग्रहित नहीं किया गया है, जबकि बाकी सभी जगहों पर जमीन का अधिग्रहण करके लोगों के आशियाने तोड़े जा चुके हैं। जवाहर ठाकुर का ये भी आरोप है कि कौल सिंह ठाकुर ने वर्ष 1977 में पहली बार सत्ता में आने के बाद एक बुजुर्ग महिला से ये जमीन खतियाई थी। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर पूर्व में राजस्व मंत्री थे और वे सोचते थे कि दोबारा से उनकी सरकार बनेगी और सर्कल रेट रिवाइज करके वे अपनी जमीन का सबसे ज्यादा मुआवजा हासिल करेंगे। इसी मंशा से उन्होंने जमीन का अधिग्रहण नहीं होने दिया। जवाहर ठाकुर ने राज्य सरकार से SIT गठित करके इसकी जांच करवाने की मांग की है। वहीं जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर द्वारा उन पर और उनके परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि फोर लेन निर्माण में उनकी व उनके परिवार की कोई संपत्ति नहीं है। यदि कौल सिंह ठाकुर उनके खिलाफ विजिलेंस जांच की मांग कर रहे हैं तो वे भी उसका समर्थन करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक बात ठीक है कि हमारा मंडी से पंडो तक का जो एरिया है, इसमें काम भी शुरू हुआ था लेकिन आज काम बंद पड़ा है। लेकिन यहाँ जो काम में जो मेन जो बाधा है वो श्री कौल सिंह जी हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ बिंद्राबनी में एक किसी विधवा से उन्होंने जमीन पिछली बार जो वो सत्ता में 77 के बाद आए थे उन्होंने वो हड़प कर ली थी और आज वो उसके मालिक बने हैं। और वहाँ पे खेद इस बात का कि बाकी सभी लोगों की जमीनें क्वायर हो गई, उसका कंपनसेशन मिल गया, मकान लोगों के तोड़े गए, लेकिन कौल सिंह की और उनकी वाइफ की जमीन जो अभी तक भी क्वाइट नहीं हुई है, उसकी भी मैं चाहूंगा कि वो क्या कारण रहे हैं कि उनकी जमीन क्वाइट नहीं हुई है। और उसमें आज जो नया सर्कल रेट उनको ऐसा मालूम हुआ कि उनको मिलने वाला है, उसकी भी मैं चाहूंगा कि सरकार से SIT की जांच की जाए कि क्या कारण रहा कि विलम्ब हुआ इस छोटे जैसे भूभाग में, और जिसकी वजह से आज ये काम बंद हुआ। ये सारा कौल सिंह की वजह से काम जो बंद यहाँ इस मंडी से जो पंडो का जो काम बंद हुआ है, इसके दोषी श्री कौल सिंह जी हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे हस्तक्षेप से और मेरे परिवार के हस्तक्षेप से उस काम में बहुत विघ्न पड़ रहा है, इसकी मैं इस बात को सिरे से खारिज करना चाहता हूं कि इसमें मेरी तरफ से कोई ऐसा ना को कोई कंपनी के लिए ना कोई दूसरे लोगों के लिए मेरी तरफ से कोई ऐसा बात है कि जिसकी वजह से काम में वहां कोई बाधा पड़ रही है। ये बात ठीक है कि हम सिर्फ जो हमारे जो प्रभावित हैं विस्थापित लोग हैं उनको काम में लगाने के लिए हम सिर्फ उनसे बात करते हैं, लेकिन जहां तक मुझ पे जो मेरी पारिवारिक कंपनी और मेरे परिवार पे जो इल्जाम उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। हम चाहेंगे कि जो उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, मैं उसका समर्थन करता हूं कि उसे इंक्वायरी सरकार करे और उसमें दूध का दूध दूध का पानी हो सके।